हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। सो इस व्लॉग में आज होने वाला है सकरात की प्रिपरेशन, शॉपिंग, सब कुछ। जैसे आप लोग बोलते हो कि पहले मैं ऐसे व्लॉग बनाती थी, तो बिल्कुल आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। कानों के कपड़े लेके आने, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर झेला था जेठू दी की जेब भराने का, तो मुझे वो कानों की ड्रेस वगैरह लेके आनी है, मम्मी पापा की ड्रेस लेके आनी है। हर सकरात पे हम उन्हें पहनाते हैं। तो ये सब शॉपिंग है, पैकिंग है और प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं बस नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और चिया को मैंने दिखाया, वो आराम से सो रही है। आज का हमारा जो लंच है वो है कढ़ी, गरम गरम कढ़ी है, अलूना घी है। गाइज, मैं आपने देखा था घर से कैब में आई थी, कैब से मैं मॉल पे आ गई थी हमारे। आजकल इनको जोर आने लग गया लाने छोड़ने में, मेरे को जंगल में कौन आया लेने छोड़ने। आप लोगों की कमेंट की बदौलत बोलते हो ना, आपके हस्बैंड करते क्या है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सबसे पहले कानू की ड्रेस लेने के लिए। कानू की ड्रेस लेंगे, उसके लिए कुछ खाने पीने का जो भी वो खाता है, छोटा मोटा सामान वगैरह ये सब लेंगे। उसके बाद में फिर मम्मी की पापा की ये सब ड्रेसें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यह है नेक्स्ट डे, 14 जैन का ये व्लॉग है। इस बार है ना बनाने खाने वाला इस दिन है, और जो कल्पना वगैरह है वो 15 तारीख को है। और कल का मैंने आपको क्लिप दिखाया था जब मैं शॉपिंग करने गई थी। हुआ क्या था ना, मैं चिया को घर पे छोड़ के गई थी, मैं वो सो रही थी, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा था मैं रख लूँगी, वो दिन में वैसे मोस्टली मम्मी के पास ही रहती है, 12-1 बजे से लेकर वो शाम तक 4-5 बजे तक। लेकिन मैं जैसे ही गई और हम लोग वैशाली पहुँचेंगे, सिर्फ कानू की ड्रेस ही खरीदी थी मैंने, और घर से कॉल आ गया कि चिया बहुत तेज़ रो रही है, और ये फार्मूला मिल्क भी नहीं पी रही थी, क्योंकि अभी इसको आदत नहीं रही है फार्मूला मिल्क की, वो मेरा फीड करती है। तो मुझे फिर सडनली घर आना पड़ा था, मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी थी, सिर्फ मैंने कानों की ड्रेस ली थी। उसके बाद मैं सारी शॉपिंग कुलदीप ने करी है, तो व्लॉग है नहीं। मम्मी का सब कुछ, मम्मी का बेस मैंने पहले पसंद करवा दिया था, सिर्फ ओढ़नी मंगवानी थी, बाकी पापा के छोटा ये सब सामान जो था ना वो करना था कुलदीप को शॉपिंग, तो वो करके आ गए हैं। छोटा मोटा सामान बचा है जो कि मैं अभी लेने जा रही हूँ, और आज इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान है, कैसे कैसे क्या है। ये देखिए, अंकित लेके आया है चिया के लिए पतंगे चिया की पतंगे बलून्स हैं, इधर मिल रहे थे और इन पर लिखा हुआ है श्री राम। और ये अंकित ने क्या किया ना, इसके यहाँ पर हाथ पे बांध दिया मामू क्या करते हैं चिया के। ये देखिए क्या आ गए मामू, क्या लेके आ गए हेलो अरे बाबा जी ने मुझे लूगे काटे शाम को मैं ब्लॉग कर रही हूँ आपके साथ। मैं वापस रेडी वेडी हूँ, आपको क्लिप जो दिखाई थी थोड़ा दिन की भी नहीं थी, थोड़ा सा 11:30-12 बजे तक की थी वो। ये मैडम है ना मेरी गोद में 11 बजे बैठी थी, जिसकी आप शाम को 4:30 बजे सोई है, और अब मैं जाऊँगी शॉपिंग करने। उससे पहले मैं आपको ना एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। अगर आप भी मेरी तरह न्यू मॉम हो, और न्यू मॉम मॉम भी हो, तो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है ये। मुझे लगता है कि हमारे लिए जो नेसेसरी प्रोडक्ट है उनके लिए, उनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली हो, अगर आप बाहर आते जाते हो, तो ये आपके लिए पास ज़रूर होना चाहिए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ लवलव ब्रांड के अडोर बेबी कैरियर के बारे में, जो कि 3-in-1 पोजीशन के अंदर है। मैंने एक आपको पहले भी दिखाया है, 4-in-1 पोजीशन के अंदर बहुत ही अच्छा वाला कैरियर है मेरे पास में। ये देखिए ग्रे कलर के अंदर, इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा कलर मुझे लगा है। थोड़ा सा मतलब गंदा भी जल्दी नहीं होगा, कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है ये।
सो मैं इस कैरियर के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। हम जब बाहर जाते हैं, बेबी को जब छोटा बेबी होता है हम उसको अपनी आर्म्स के अंदर रखते हैं तो हमारे आर्म्स भी पेन करने लग जाते हैं, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा देर हम लोग वॉक नहीं कर सकते हैं। और जब बेबी है वो भी अनकम्फर्ट हो जाता है, उसको भी इतना अच्छा नहीं लगता है, बार बार वो भी एक सही पोजिशन में नहीं होता है, बार बार हम उसको इधर उधर करते रहते हैं जिससे बेबी भी डिस्कम्फर्ट फील करता है। सो मुझे लगता है कि अगर आप बाहर ट्रैवल फ्रेंडली हो, आप बाहर वॉक वगैरह पे जाते हो, पार्क वगैरह जाते हो, अपनी बेबी के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपके पास में एक अच्छा कैरियर होना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको इस कैरियर के बारे में बात बताती हूँ। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, लवलप के जो प्रोडक्ट होते हैं सेफ्टी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, बेबी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होते हैं। इसका कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा है और इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, बच्चों के लिए ब्रीथेबल फैब्रिक है। सो ये है लवलप का बेबी अडोर कैरियर और इसका जो फ्रंट वाला जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, बैक वाला फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन से बने हुए हैं, ब्रीथेबल फैब्रिक के साथ में ये है। कलर इसका बहुत प्यारा है ग्रे, और देखिए इसके अपर साइड में एक आना इस तरीके से जिप दी गई है जिसके अंदर आप बेबी को बेबी का फॉरहेड कवर करने के लिए जो इसके अंदर पार्ट दिया गया है वो इसके अंदर भी रख सकते हैं आप। साथ में बेबी का कोई हैंकी वगैरह रखना है वो भी आप कैरी कर सकते हैं, और जैसे धूप वगैरह में लेके जा रहे हैं तो बच्चे को आप इससे ईजिली कैरी कर सकते हैं जिससे बच्चे को धूप वगैरह ये सब नहीं रहेगा और बच्चा आराम से कम्फर्ट होकर आपके मतलब गोद के अंदर ही सो भी सकता है, नींद अच्छे से ले सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन लगा। और वापस आप इसको देखिए फोल्ड करके रख सकते हैं अगर आपको नहीं करना हो तो उसको वियर। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक पॉकेट दी गई है, यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। इस यहाँ पर एक जिप दी गई है, इसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं अगर आप बेबी के साथ जैसे बाहर लेके जा रहे हैं ना, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पर अच्छे से सेफ्टी वाइज रख सकते हैं और इसको जिप लॉक कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ बेल्ट दिया गया है और इस तरफ यहाँ पर एक कुशन दिया गया है जिससे बेबी को बैक में लोअर सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से बकल दिया गया है जिसको आप इजीली अटैच कर सकते हो, इसको इजीली डिटैच कर सकते हो। और इसके ये बैक साइड में देखिए आप इस तरीके से दो शोल्डर के स्ट्रिप्स दिए गए हैं जिनको आप अपने शोल्डर पे ले सकते हो और ये आराम से कैरी हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और काफ़ी टाइट और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इनके जो शोल्डर्स हैं ना काफ़ी ब्रॉड बनाए गए हैं जिससे आपको ईजिली कम्फर्ट फील हो। इस प्रोडक्ट को मैंने अमेजोन से बाय किया है, आप इसको लवलैप की ब्रांड साइट पे से और अमेजोन दोनों पे से परचेस कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी हमारे पास ही लोकल मार्केट में, तो सबसे पहले मैं चूड़ी की शॉप पे आई थी और ये हमारे मेन रोड पे शॉप है, हम हमेशा यहीं से चूड़ी लेते हैं, मेरी मम्मी भी यहीं से हमेशा चूड़ी लेके जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी तरह के चूड़े देखे, तो फिर मैंने मम्मी का जो ड्रेसिंग उसी के मैच का चूड़े लिया। देन मैं कॉस्मेटिक सामान लेने आ गई तो मम्मी लगाती है मैट नैल पेंट, तो मैंने उनके लिए एक मैट के नैल पेंट ली, कलर मुझे सही लगा, मम्मी ज़्यादातर ऐसा लगाती है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मैं देख रही थी कि मम्मी क्या यूज़ में करती, मम्मी का आयुर की क्लिनजर यूज़ करती है वो मिलानी स्पेशली, तो मैंने फिर छोटा मोटा सामान ऑयल मॉइस्चराइज़र लिपस्टिक नैल पेंट क्लचर वगैरह हो गया, कॉम्ब था एक, इस तरीके से हैंकी हो गया, ये सामान लेने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर देख रही थी क्लचर, तो मम्मी फिर मेरे को सडनली ध्यान आया कि मम्मी इस टाइप की क्लचर नहीं लगाती है, मम्मी ने मुझसे अभी रिसेंटली मंगवाए भी थे, तो फिर मैंने वो उनको बोला, मुझे पता भी नहीं था उनको क्या बोलते हैं, बक्कल बोलते हैं शायद, मैंने वही बताया था, तो फिर उन्होंने मुझे निकाल के दिए। तो फिर मैंने 3 का ये सेट ले लिया था क्योंकि मुझे तीनों ही कलर अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा मम्मी अलग अलग निकालेंगे। तो ये सारा सामान था। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर कि मैं क्या क्या देने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये थे पापा के कपड़े जिसमें है बनियान है और हैंकी है, मतलब अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स वगैरह हैं, और ये कुर्ते पजामे हैं, और ये नेक के लिए है कि लिफाफा है, क्योंकि बिना अगर आप नेक नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते, तो आपका फलता नहीं है। देन ये है मम्मी का सूट जो कि मम्मी की पसंद का है, प्योर का है, राई बंदेज की रेड कलर की प्योर की ओढ़नी है, और येलो कलर का सूट था जो मम्मी को अच्छा लगा था। और फिर ये सारा सामान मैंने रखा था, हैंकी था, मॉइस्चराइज़र था, बिंदी थी, ऑयल था, नेल पेंट थी, कॉम्ब था, और ये मम्मी को परफ्यूम चाहिए था, तो फिर मैं परफ्यूम भी लेके आ गई थी। मम्मी मुझे इन दिनों कह रही थी उनको चाहिए, लिपस्टिक है, मांग भरनी है, और मेहंदी का कोन है, बक्कल है, और मम्मी के भी दक्षिणा के रूप में मैंने लिफाफा रख दिया था। और ये था मम्मी का, और ये देखिए नीचे ऐसे येलो कलर का ऑल ओवर सूट था ये, तो ये हो गया था मम्मी का। उसके बाद में थे कानू का, क्योंकि मैंने कानू की जेब भरना झेल रखा है लास्ट ईयर से, तो ये कानू की ड्रेस में लेके आई थी। ये कानू की ड्रेस बहुत प्यारा कलर लग रहा था, ये कानू का लिफाफा था, साथ में कानू के अंडर गारमेंट सॉक्स वगैरह बनियान हैंकी ये सब कानू के लिए भी था। और कानू जो भी कुछ खाता है ना, मैं जैसे चॉकलेट खाता है वो, नमकीन वो ओरियो बिस्किट लेस, ये मैंने कानू के लिए मंगवाए थे।
उसके बाद में ये हमारे घर पे बन रही थी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। हमारे हर साल पकौड़ियाँ बनती हैं और हमारे सकरात के दिन मेन पकौड़ियाँ ही होती है, तो हम ये खाते हैं। ये लीजिए पतंगे उड़ा ली, अब खाइए पकौड़ियाँ गरम गरम। ये हमारे बन चुके पकौड़ियाँ और ये है दाल की पकौड़ियाँ। मुझे पकौड़ी से ज़्यादा ही जो मीठे वाले गुलगुले होते हैं ना ये बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ तो सकरात पे पकौड़ियाँ वगैरह बनती है बैठ के, जिससे हम लोग खाते पीते हैं। म्यूज़िक सिस्टम ऊपर लगा ही रखा है। पहले शौक था पतंग वतंग का भी, उड़ानी तो कभी नहीं आती थी बट छतों पे चढ़ जाते थे। अभी चेयर की वजह से मैं नीचे ही हूँ और हमारी कुछ सकरात इसी तरीके से मन रही। आप लोग बताना आपने क्या क्या किया। एंड ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। थोड़ा सा ये जो व्लॉग है ये एकदम परफेक्टली नहीं बना है, 3 दिन का इसके अंदर है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और चिया की भी, वजह से मैं प्रॉपर इस बार सकरात पे मैंने सोचा था मैं आपके साथ प्रिपरेशन वाला व्लॉग शेयर करूँगी देन सकरात वाला, लेकिन नहीं हो पाया इसलिए मैंने फिर इसको एक में ही एड ऑन कर दिया है। और ये मैं फिर अगले दिन तैयार व्यार होकर अपना सारा सामान लेके और वो कर रही थी, सिर्फ इनको बोलते हैं जो कल्पना बोलते हैं या जो भी मिनसना वो कर रही थी मैं। तो इसमें बस हम लोग रोली मोली के छींटे देख के और मैं अपने कुलदेवी पितृ सभी को याद करके और बस उनका आशीर्वाद ले रही थी कि जो भी मैं अपना कल्पना कर रही हूँ उसका धर्म मुझे मिले और ये सब, मतलब मैंने वहाँ पर सीखा है उस तरीके से मैं ये कर रही थी। और फिर ये मुझे जाना था घर पे, मैं वहाँ पर कोई भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुलदीप उस टाइम मेरे साथ नहीं थे। तो मैं जो व्लॉग है ना आपके साथ में इसी तरीके से शेयर कर रही हूँ और उसके बाद बस मैं चिया को लेके और मम्मी पापा के कपड़े पहनाने का वो कपड़े पहनाने। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि पिछले 2 व्लॉग से मैं अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और इस व्लॉग को भी मैंने 3 दिन में जाके कंप्लीट किया और 2 दिन से मैं व्लॉगिंग पोस्ट नहीं कर रही थी। थोड़ा सा कहना कभी कभी ऐसे मूड आपका थोड़ा ऐसा होता है या फिर डल डल आपको फील होता है तो मन नहीं करता है। एंड मैंने यही सोचा था 2-3 महीने पहले से कि जब मन नहीं होगा स्ट्रेस नहीं लेने का, अपने आराम से स्मूथली काम करूँगी, वो चीज़ है। तो मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी, वीकनेस थी, मुझे ऐसी लग रही थी जैसे चक्कर से आते रहते हैं, लेकिन ऐसा मन करता सोते रहो। और थोड़ी सी चिया की भी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, वरना मैंने सोचा था मैं आपके साथ में सकरात की प्रिपरेशन वाला व्लॉग देन सकरात वाला व्लॉग डालूंगी और मैंने शूट भी उस अकॉर्डिंग किया था बट नहीं हो पाया, तो मैंने फिर इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज शाम को मैं गई थी घर पर, जब मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ कि मैं चिया के साथ में गई हूँ, और मम्मी पापा आज ही फार्म हाउस से आए थे और उस टाइम पे शूट मेरा नहीं हो पाया तो मैंने कुछ इतना वो लिया भी नहीं, तो मैं इसलिए आपको क्लिप नहीं दिखा पाई। तो मम्मी पापा को कपड़े पहनाए थे और कांदू को कपड़े पहनाए थे क्योंकि कांदू का मैंने पिछले साल झेला था जेब भरने का, जेठूते का। इसमें क्या होता है ना, मैंने हर महीने की 14 को उसको खाने पीने की चीज़ें ला के दी, अब मैंने उसको कपड़े पहना दिए। और इस साल मैंने मेरी जो ननद का बेटा ना उसका झेला है कि उसकी जेब भरूंगी मैं, तो बेसिकली ये सब था। और अब मैं ट्राई करूँगी कल से प्रॉपर व्लॉगिंग करूँ, अच्छे से आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। एंड गाइस गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं मैं ससुराल कब जाऊँगी, तो मैं बस विद इन वीक वहाँ चली जाऊँगी, तो उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। मम्मी मेरी चली गई है ननिहाल, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और आप लोग प्लीज़ समझना इस चीज़ को व्लॉगिंग वाली। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय, गुड नाइट। ये देखिए मैं सो गई थी और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो ये उठ गई है। उठती नहीं है बिट्टू, सोते हैं, सो जाओ।